हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द व्लॉग। पता है बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं एंड बहुत लॉन्ग गैप है व्लॉग्स में, वीडियोस में, आई नो। सो मैं जा रहा हूँ मेजेस्टिक मालवी रोड से बाई मेट्रो। तो आपको मैं नमा मेट्रो का सफ़र दिखाऊंगा एंड इस मेट्रो का स्पीड कितना है टूवर्ड्स मेजेस्टिक, सब चीज़ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। एंड कोविड के समय मेट्रो स्टेशन में क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हमको फॉलो करना है वो भी आप सभी को दिखाऊंगा इस डिटेल वाले व्लॉग में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा एंड अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन एंड वहाँ जाके आपसे बातें। वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। तो आप सोच रहे होगे उसकी जगह मैं ये व्लॉग स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ। देखिए, उसका चैनल हो चुका है हाईजैक और करने वाला आपके सामने खड़ा है जो अभी ये वीडियो बना रहा है। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं मेजेस्टिक। मेजेस्टिक इधर ये रहा एंट्रेंस, इधर से घुस के जाएंगे फिर उधर अंदर का व्यू दिखाएंगे आपको। एक छोटा सा काम है, मजे लो, देखो वीडियो। ये मिस्टर पुष्पेंद्र इधर एंट्री मारते हुए बेहद नर्वस लगते हुए जैसे शेरवानी सिलवाने के लिए मेजरमेंट देने आए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और ये लेफ्ट साइड में जाना है हमें, उसके अंदर लेफ्ट लेफ्ट। इनको खुद को नहीं पता प्रोसीजर क्या है, हमें सिखाना पड़ रहा है। ये बहुत कच्चे खिलाड़ी, तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, मशीन है, इसके आगे हाथ रखते ही तो एक्सेस ग्रांटेड। दिस इज़ हाउ इट्स डन। बहुत ही अद्भुत उमदा व्यू मिलते हुए और इन भाई साहब ने हमारी बैग अंदर डाल दी है। मन तो किया था फ़ोन भी डाल दी। इधर के लोग कहते हुए कि व्लॉग नॉट अलाउड। और ये मिस्टर पुष्पेंद्र भगते हुए द सॉल्यूशन बॉय कमलेश को पीछे छोड़ते हुए। पुष्पेंद्र कैसे आया तू भग के, कैसे आया? और ये दुनिया से कुछ अतरंगी करने का इनका ऐसा जज्बा है। ये बेहद आलसी किस्म के आदमी हैं, ये एस्केलेटर से जाते हैं। और ये मिस्टर आलसी। सो हम ऊपर आ चुके हैं। ऊपर आते ही पहली चीज़ जो मेरे को दिखती है ये ऑलमोस्ट खाली है। कुछ जने दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। और ये इधर मेट्रो स्टेशन के ये ऐसा ही, इसको इग्नोर करो, इस पूरे व्लॉग में इसको इग्नोर किया जाए। गजब बेइज्जती है। जस्ट वेट कर रहे हैं, हमारी मेट्रो उधर से आएगी। उधर एक स्टेशन से आके हम लोग फिर इधर से जाएंगे। तो भी हमको मेट्रो के स्टाफ ने वार्निंग दी है कि इधर उधर मत घूमो। और नीचे तो हमें कहा भी गया था कि रिकॉर्डिंग ना की जाए। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है सिटी रेलवे स्टेशन। तो गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है सिटी रेलवे स्टेशन और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है मालवी रोड के बाद। तो वैसे यहाँ पे मेट्रो की ट्रेन जो खाली है, आप देख सकते हैं बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। अभी कोविड का टाइम है, पता है, एंड अभी लोग ज़्यादा आ नहीं रहे मेट्रो में, ड्राइव नहीं कर रहे हैं। एंड बेसिकली संडे भी है, लोग सब रहे हैं।
नहीं, कल जब मैं आया था भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी मैजिस कितने स्पेशली, पर आज भीड़ नहीं दिख रही है। हमको इधर से उतरना है, हमारा एग्जिट है, ये आगे हमारा स्टॉप, पता नहीं आगे ये क्या क्या करवाएगा, ये करना है हमको। बंदा उतर चुका है, यहाँ पे उतरते एक बंदे ने हमारे साथ बहुत गलत किया, इज लाइक क्या कर रहे हैं, मैंने बोला व्लॉग, उसको व्लॉग का मतलब समझ में नहीं आया, तो उसने बोला कि डिलीट कर वीडियो डिलीट कर करके डिलीट करो, पर हमारे हम आपको जैसे पता है आईफोन में रिसेंट डिलीटेड होता है, तो हमने उधर से क्लिप रिकवर कर लिया है। गाइस सिग्नल हो चुका है एंड यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट तक रुकी थी एंड अब यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर है। और इंडिया में व्लॉग करना बेहद मुश्किल है, लोग व्लॉग नहीं समझते हम लोग क्या कर रहे हैं, इतनी परेशानियां झेल के भी ये बंदा आपके लिए ब्लॉग लाता है, तो इसके लिए ना सही, मेरे लिए ब्लॉग को लाइक कर दो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ब्लॉग में। यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट नहीं किया, फिर भी कोलैबोरेशन हो रहा है, समझ लीजिए आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये वीडियो में 100 लाइक आ गए तो हम लोग एक और ब्लॉग साथ में बनाएंगे फॉर श्योर। अभी हमें नीचे जाना है, यहाँ पे ग्रीन लाइन की कनेक्टिविटी है, सब हम आ चुके हैं मैजेस्टिक, मैजेस्टिक से एग्जिट करके अरविंद के काम से बाहर जाएंगे। और मेन बात हम बताना चाहते हैं कि मैं फिर से दोहराता हूँ इंसिडेंट, जब हम मेट्रो से उतरे थे तो हम रिकॉर्ड गाइस आई डोंट नो भाई, मेट्रो में कोई ब्लॉग शूट करने नहीं देता, एक तो मार्डी रोड में भी ये सीन हुआ था, जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो शूट करने नहीं दे रहे थे एंड जब हमने एग्जिट किया तभी आपने वो सीन देखा, वो वॉचमैन ने हमको मना कर दिया था कि डोंट शूट एनी ब्लॉग्स, वॉचमैन इज लाइक डिलीट कर, पर हम लोग रिकवर कर सकते हैं हम लोगों के पास वो हुनर है रिकवरी वाला। तो मेट्रो स्टेशन में हमें बेहद तकलीफ हुई व्लॉग बनाते हुए, बट स्टिल वी आर शूटिंग। और ये भाई हुसैन बोल्ट की कॉपी करते हुए भाई, तो वैसे जैसा आप सभी को पता है कि अब मैं आ चुका हूँ मैजेस्टिक, तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर मैजेस्टिक का बस स्टैंड है, आपको यहाँ के लिए टूवर्ड्स सब जगह से आपको बस मिल जाएगी। आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट की बसेस लगी हुई है एंड वहाँ पर टूवर्ड्स राजाजी नगर यशवंतपुर की तरफ की बस लगी। कुल मिला के ये बंदा कहना चाहता है कि इधर से आप कहीं भी जा सकते हो, ये मैजेस्टिक का बस स्टेशन है, तो आप यहाँ से किधर भी जा सकते हो, किधर भी एनी पार्ट ऑफ बैंगलोर या कर्नाटक सारी बसेस मिल जाएंगी आपको। तो बंदा पूरा स्ट्रगल करते हुए, अनन्या पांडे से ज़्यादा हमारे भाई ने स्ट्रगल किया है। गाइस अब हम अरविंद के साथ जाएंगे सिटी सेंटर इसका शर्ट एक्सचेंज कराने, अब इस भाई साहब को तो सिटी सेंटर कहाँ पे है इसका वही आइडिया पता नहीं है। नहीं मेरे को पता है लाइक सिटी सेंटर कहाँ है, मैं फर्स्ट टाइम गया था भाई के साथ, भाई लाइक गलियों से घुमाते लेके गया, तो कैसे याद रहेगा। ब्लू कलर की बस जहाँ पे खड़ी है वो एयरपोर्ट बसेस है, आपको वहाँ से एयरपोर्ट के लिए बसेस मिल जाएगी। सो गाइस अभी हम सिटी सेंटर जस्ट होके अंदर से आ रहे हैं, हमें शर्ट एक्सचेंज करवाना था पर वो बंदे अलग ही फ्लो में चल रहा है, अलग ही स्वैग में चल रहा है, वो बंदा अभी तक आया नहीं है। और बहुत फनी इंसिडेंट हुआ इधर, आई वाज लाइक अभी ये देख के आपको क्या लग रहा है, इट्स बिस्लरी, तो मैं जाके बोला भैया एक बॉटल बिस्लरी की दो, सो द गाइस इज लाइक बिस्लरी नहीं है वंदे मातरम है, अभी बिस्लरी की भी फर्स्ट कॉपी आने लग गई वंदे मातरम। और भाई ये बोल रहे हैं 25 साल का ट्रस्ट, मैं पहली बार वंदे मातरम नाम सुन रहा हूँ, मतलब कुछ भी नहीं, हम यहाँ पे क्या करने हैं, ये मजाक हो रही है। ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो ही इज लाइक वंदे मातरम है, तो समझ जाओ बिस्लरी की भी फर्स्ट कॉपी बनने लग गई है, सतर्क रहे सावधान रहे, हमें तो पीना पड़ रहा है क्योंकि हम प्यासे हैं, पर बिस्लरी की फर्स्ट कॉपी लाइक मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ वो मेरी शक्ल देख रहा हूँ, ये कब हुआ। यहाँ पे मिनी मार्केट है, जैसे ही मेट्रो स्टेशन हमारे आगे है तो ये मिनी मार्केट है पूरा, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लाइक बेसिकली चीज़ों की फर्स्ट कॉपी मिलती है और एकदम सस्ते में मिलती है, लाइक सॉक्स वगैरह सब मिलता है, वॉलेट्स यहाँ पे सब मिल जाएगा। तो ट्राई नहीं हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है, बट देन सब चीज़ों की फर्स्ट कॉपी इधर है, लाइक बहुत बड़ा मार्केट है अंडरग्राउंड जाते हुए पूरा डाउन। तो और मेन थिंग ये है कि जब आप अंदर घुसोगे आपको सब दिख जाएगा, लाइक इलेक्ट्रॉनिक से लेके कपड़े से लेके एवरीथिंग, ये मार्केट सब कवर करता है। ये है
टनल टाइप है, जैसे आप बस स्टैंड के राइट साइड में एक टनल टाइप है, तो इधर सब मिलता है, कपड़े वपड़े जो चाहिए एवरीथिंग, लाइक ब्लूटूथ स्पीकर सब मिलता है, लाइक क्या ही बताऊँ मैं, जगह भी अच्छी खासी है। बट इधर एक बार देखिए द व्यू, एवरीथिंग सब कुछ मिल रहा है। अभी हम ऊपर चढ़ के अभी सीधा घर चलेंगे हम, बैक टू द प्लेस। और ये है वो जगह, फ्रूट्स अभी मेडिकल के जो लड़के हैं स्पेशली निब्बास, तो मैंने देखा अभी दो निब्बा अपने निब्बियों के लिए शॉपिंग कर रहे थे, लाइक एक रिंग अपने हाथ में पहना के, बेबी ये कैसा लगा तुम्हें, बेबी रेड कलर अच्छा लगेगा, बेबी कर रहा है। तो साथ में जो बेच रहा है ही इज लाइक उसको देख के स्माइल दे रहा है, और वो इज लाइक बेबी ये अच्छा रहेगा, बेबी ये अच्छा रहेगा। अभी लाइक सलाम है लोंडो, तुम लोगों में गट्स है, लाइक खुलेआम वैलेंटाइन शॉपिंग कर रहे हो, प्राउड ऑफ यू। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। वैसे देखिए ये है बिस्लरी, 50 years of trust, बिस्लरी है। एंड एक और एक कॉपी दिखाता हूं, और ये है बिस्लरी की फर्स्ट कॉपी, वंदे मातरम, 25 years का ट्रस्ट, लाइक मैंने नाम पहली बार सुना, ही इज लाइक 25 years of trust, वाह रे वाह, फर्स्ट कॉपी वालों दिल जीत लिया सालो तुम लोगों ने। ब्लॉग बैठ चुके हैं एंड अब ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से होगा, एंड अब आपको मैं अंडरग्राउंड स्पीड दिखाऊंगा कि ट्रेन कितनी स्पीड से चलती है अंडरग्राउंड में, तो जस्ट हैव अ लुक। एंड यहाँ से देखिए डिपार्चर, तो गाइस बेसिकली मेट्रो का इंटरचेंज स्टेशन में एक मिनट का हॉल्ट रहता है। सिग्नल ग्रीन हो चुका है, अब हम देखते हैं डिपार्चर। अलग ही लेवल के नशे कर रहा है, जब ट्रेन चलती है स्पीड नहीं बताता, और जब ट्रेन रुकती है ये दिखाता है 3 km/s की स्पीड। अभी लग वा रहे ऐप वालों, बहुत दिमाग लगाया है सालों। अभी जब ट्रेन रुकने वाली है तब ये स्पीड दिखा रहा है। बाय मेट्रो, बाय बाय। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, एक शर्ट एक्सचेंज कराने के चक्कर में हम लोगों ने पता नहीं आज क्या क्या किया है, कितने कितने पापड़ बेले, और लाइक मेट्रो में मेरे को कुछ डिस्कस करना था, लाइक जब हम जा रहे थे जैसे मेट्रो से उतरे द गाइस लाइक ए क्या कर रहा है, वो क्लिप आपको दिखा होगा बीच में, सो वो आके बोल रहा है कि क्या करना है, बोलो व्लॉग के, नहीं डिलीट कर। सो मैं अलग ही लेवल में था, आई वॉज लाइक डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है आईफोन में रिसेंट डिलीटेड में जाके आप वो रिकवर कर सकते हो, सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने सोचा ये सिर्फ उस सिक्योरिटी वाले का इशू, पर जब हम वापस एंट्री हो रहे थे ही इज लाइक नो रिकॉर्डिंग, यू अंडरस्टैंड दैट, ऐसे आंखें दिखा रहे जैसे मेरा पीटी सर हो। पीटी सर से हम डरते थे, बहुत इज्जत करते थे, पर वो दिखा रहा था, वो सीन भी इंक्लूड हुआ होगा क्योंकि मैंने उस टाइम तक रिकॉर्डिंग बंद नहीं की थी। सो द थिंग इज जब आप व्लॉग करते हो तो देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बहुत पीपल डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत डिमोटिवेट करते हैं, पर हम लोगों ने इसको दिमाग में बिल्कुल नहीं लिया, हम लोग बेशर्मों की तरह मेट्रो के अंदर भी ब्लॉक कर रहे थे, बाहर भी ब्लॉक कर रहे थे, हर जगह ब्लॉक कर रहे थे। हम लोगों ने बिस्लरी की फर्स्ट कॉपी भी ढूंढी, लाइक मैं जाके उसको पूछ रहा हूँ वो बिस्लरी था, इसलिए बिस्लरी नहीं, मैं बोला वो पढ़ी तो इसलिए वंदे मातरम 25 साल का ट्रस्ट, मैंने पहली बार सुना है वंदे मातरम, 25 साल कब हुए, 25 साल एंड बिस्लरी 50 साल, 50 साल हो गए, और ये रही वंदे मातरम, मैं इसको शोकेस में रखूँगा वंदे मातरम 25 years। अब लाइक वाओ है, स्पीड टेस्ट ऐप ने भाई अलग ही लेवल के नशे कर रखे हैं,
तो जब मेट्रो चलती है हम लोग स्पीड टेस्ट चालू करते हैं तो कुछ नहीं बताता, जब मेट्रो रुकती है वो दिखा रहे 50 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अभी उस ऐप को क्या बताएं हम लोग, ऐप ने बोलवेटा ज़्यादा खा लिया है, ओपी ऐप है वो, ओपी ऐप उसको उसका प्रमोशन बनता है। अभी कमेंट करो अगर आप हम दोनों को एक साथ देखना चाहते हो बहुत, और लाइक करो वीडियो को, बाकी 6 महीने बाद मैं भी यूट्यूब में आ ही रहा हूँ, स्टे ट्यून्ड। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें मैक्सिमम, एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगर आपको आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आके फॉलो भी कर सकते हैं, हम दोनों का इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।